भदोही जिले के गोपीगंज नगर के अंजही मोहाल में एक फुटकर किराना व्यापारी के दुकान पर छापामारी कर टाटा नमक का नकली पैकेट पकड़ा गया। शुक्रवार को टाटा सेल के मार्केटिंग मैनेजर देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में नगर के अंजही मोहाल में एक फुटकर किराना व्यापारी संजय कुमार के यहां छापेमारी की गई। नकली टाटा नमक बेचे जाने की जानकारी पर धमकी टीम 50 किलो के 2 बोरी में रखे नकली टाटा नमक को कब्जे में ले लिया गया। उक्त मामले में देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, नगर के खड़ट्टी मोहाल में गोपाल दास के यहां भी छापेमारी करने गया था, लेकिन मौके का लाभ उठाकर भाग निकला। बताया दोनों व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तहरीर थाना में दी गई है। पकड़े गए नमक को सील कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बताइए कि कहां कहां आप लोगों ने छापेमारी की है, कितना नमक भरा है? भदोही के जिले में जो है 3 जगह पे हमने छापेमारी की है और करीब जो है ये टोटल अगर मिला के देखे तो 7-8 क्विंटल हो जाएंगे। और अन्य भी जिलों में हमने जो है छापेमारी की थी, वहाँ से भी जो है करीब 10 क्विंटल, जैसे गोरखपुर में 10 क्विंटल के करीब, और जौनपुर में भी तो भारी तादाद में भी था, वहाँ पर तो गिनती नहीं हुई। अच्छा, भदोही में जो कार्रवाई हुई है कैसे आप पता लगा और किस तरह का ये नमक बेच रहे हैं? ये जैसे कि कस्टमर के थ्रू होता है, कंप्लेन जाती है वहाँ से ही, ये सारे चीज़ें उन्हीं के माध्यम से होता है, फिर सर्वे होता है, फिर उसके बाद अगर व्यक्तिगत वो पाया जाता है कि ये गलत है तो उसके खिलाफ फिर। यहाँ पर जो नमक बिक रहा था वो किस तरह का था, उस पर रैपर क्या था? ये तो गलत है, ये इस पे जो है प्योर डुप्लीकेट है, इन्होंने जो कॉपी कर रखा था पूरा। कितने लोगों पे आपने मुकदमा अभी तक कराया? अभी तो यहाँ पे 1 लोगों का है, बाकी तो अन्य जगहों पे 2 लोगों का हो गया, बाकी तो और भी जिलों में हुआ है। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।